अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं कैमरामैन सुलेमान अरशद। आज हम PHA पार्क में आए हैं। ये इसकी लोकेशन मैं आपको बताता चलूँ, ये मेन यूनिवर्सिटी रोड, कैमरामैन ज़रा दिखाइएगा, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे बिल्कुल रहमान प्लाजे के बिल्कुल सामने मौजूद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग का एक निज़ाम बनाया गया है, यहाँ पे पार्किंग की एक अपनी जगह मुख्तस की गई है। उसके अलावा पार्क के अंदर के भी मनाजर आपको दिखाते हैं, कैमरामैन हमारे साथ आइए। यूं तो कहने को तो ये एक फैमिली पार्क भी है, लेकिन यहाँ छड़े हजरात भी इंजॉय करने आते हैं। यहाँ के आप पौधों को देख सकते हैं, यहाँ के दरख्तों को देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन मेरे दाएं जानब दिखाए, ये इतना मोटा दरख्त है कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना पुराना दरख्त है। आइए आपको कुछ दरख्तों की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनके नाम और वो कितने पुराने हैं दिखाते हैं। पार्क की खूबसूरती निखारने के लिए दरख्तों के साथ साथ यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लगाई गई हैं जो कि पार्क की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। पूरे पार्क में जैसा कि देखा जा सकता है, कहीं पे गंद का ज़र्रा तक नहीं मौजूद, और ये इस बात की गवाही है कि इस पार्क में पढ़े लिखे लोग आते हैं और ये चीज़ काम आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, और हर थोड़े थोड़े फासले पर कहीं ना कहीं डस्टबिन जो हैं वो नस्ब किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शरारती बच्चों को पार्क में शरारतें करने से रोकने के लिए सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया है। भाई हमें तो नहीं निकाल देंगे बाहर? नहीं भाई, सिक्योरिटी वाला बड़ा ख़तरनाक है, बच के रहिएगा। PHA की इस इमारत के बारे में आपको दिखाते चलें कि ये इमारत, इसका नक्शा और इसकी बनावट देख के आप बता ही सकते हैं कि ये कितनी पुरानी इमारत है। इस तरह लगता है कि ये आज से 100 साल पहले बनाई गई थी। PHA ने आज भी इसको महफूज करके रखा हुआ है। आज से यहाँ पे 2-3 साल पहले मैं आया था, तो यहाँ पे छतरियों का खूबसूरत यहाँ पर एक कवर अप दिया गया था जो कि इस पार्क की खूबसूरती में एक 4 चांद लगा देता था। अब उसी जगह पर ऐसे बच्चे घूम रहे होते हैं। वालदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, इनकी जल्द से जल्द शादी कर दें, इस्लामी तरीके से भी आपको सवाब मिलेगा और बच्चों की ख्वाहिशें पूरी होंगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पानी पीने का भी यहाँ पे जो निज़ाम है उसका वसी अहतमाम किया गया है, लेकिन इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इस पानी के कूलर की सफाई की जाए, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी काई मौजूद है जो कि इस बात का सबूत है कि पानी की साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं रखा गया। तो इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इसकी साफ़ सफाई की जाए। ये भी अल्लाह की कुदरत है कि ये दरख्त अंदर से तो खोखला है पर फिर भी इसकी टहनियाँ हरी भरी। आज हमने आपको PHA के इस पार्क का दौरा कराया और इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अथॉरिटीज़ मुल्क के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही हैं। आज के ब्लॉग से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगेबान।